अच्छा, क्या क्या बीमारियां हैं वो, हम वो डिजीजेस करने लगे हैं जो मेटाबॉलिक पाथवेज के जो एंजाइम्स वगैरह हैं उनकी डिफेक्ट्स की वजह से होते हैं। सो एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो कि एसिड बनाता होता है। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेस की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से एक खास किस्म का डिजीज़ होता है। इसकी और भी वजह है, ऑस्टियोपेट्रोसिस उसे कहते हैं। ऑस्टियोपेट्रोसिस में क्या होता है, ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो रिजॉर्व नहीं होता सही तरह से। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्प्शन में मसला हो जाता है। क्या मतलब है, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन जो है वो सही नहीं रहता। सो बोन जिसने टूटना था, बोन मॉडलिंग पे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। बोन ने टूट के नया बनना था, तो जो बोन को तोड़ने वाले सेल्स हैं जिन्होंने उसका होम्योस्टेसिस करवाना था कैल्शियम का, उन्होंने बोन से कैल्शियम लेके ब्लड में डालना था और बोन को मॉडलिंग और रीमॉडलिंग में हेल्प करना था, वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के अंदर मसला आ गया है। और पीछे से मसला एक एंजाइम के अंदर है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस डेफिशिएंसी है एक टाइप के अंदर, और भी टाइप्स होती हैं। तो इसको मार्बल बोन भी कहते हैं ऑस्टियोपेट्रोसिस की वजह से, क्योंकि अगर बोन टूट ही नहीं रही तो इतनी सख्त होती, बड़ी बड़ी होती जाती है और मतलब ह्यूज सी बोन बन जाती है, तो उसको मार्बल बोन भी कहते हैं। अब नॉर्मल थिक हैवी बोन कहते हैं, स्क्लेरोटिक बोन कहते हैं, ब्रिटल बोन कहते हैं। अच्छा, अब वो बनती तो जा रही होती है, लेकिन जो ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट का जो आपस का बड़ा ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट बैलेंस है, वो बेसिकली सही तरह से मिनरलाइजेशन कर रहा होता है। मतलब जिस एरिया में बोन के जितनी कैल्शियम चाहिए होती है और जिस एरिया में बोन के जितना आपको जौन सा मिनरल चाहिए होता है, उस एरिया में उतना मिनरल जाएगा तो वो बोन उस तरह से सही तरह से स्ट्रांग होगी। तो वो बड़ी तो बहुत हो जाती हैवी भी बहुत हो जाती है, लेकिन वो उतनी स्ट्रांग और उतनी सही नहीं रहती जितनी कि एक केयरफुली क्राफ्टेड बोन होती है, और जो ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट के परफेक्ट बैलेंस की वजह से होती है। अब यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो काम का नहीं रहा, तो बोन आसानी से फ्रैक्चर होगी, बड़ी बेसिक हो जाए लेकिन टूटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी मिनरल्स जो उसके अंदर सही तरह से डिपॉजिट होने थे या निकलने थे या उसकी मॉडलिंग और रीमॉडलिंग होनी थी, तो उसकी जो रिपेयर शिपेयर का काम चलना था नॉर्मली जो चलता रहता है हमेशा, तो वो नहीं सही तरह से हो रहा। फिर उसके अलावा बोन मैरो पे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है, तो फिर जो व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं जो कि बोन के अंदर बन रहे होते हैं, वो अब चूंकि बोन का अंदर जो बोन मैरो है वो उस तरह की रही नहीं है, और बोन जो है वो उसका कंपोजिशन इस तरह की हो गई है कि वो अंदर से डिफेक्टेड है बोन, इवन दो वो बड़ी है, तो उसकी वजह से फिर पैन साइटोपीनिया हो जाता है, यानी एनीमिया, रेड ब्लड सेल्स बिकम, प्लेटलेट्स बिकम, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ल्यूकोपीनिया, व्हाइट ब्लड सेल्स बिकम। सो पैन साइटोपीनिया, हर तरह के सेल्स जो ब्लड के हैं वो कम हो जाते हैं। फिर वीएन एंड हियरिंग इंपेयरमेंट हो जाती है, अगेन आपकी स्कल की बोन्स इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए तो ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करना शुरू कर देती हैं, और आपको मिडल ईयर और इनर ईयर की बोन्स के बारे में तो बताया ही है कि वो फिर जब डैमेज होना शुरू हो जाती हैं तो उसकी वजह से हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाएगी। और फिर चूंकि एसिड कम हो जाता है तो उसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है किडनी के ऊपर, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्रेज का बड़ा काम होता है, और वो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अगर आप डायोरेटिक्स पढ़ी हो अपनी अपनी फार्माकोलॉजी में, तो आप देखोगे कि वो जो डायोरेटिक्स हैं वो उसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का बड़ा काम होता है, और वो बड़ा हेल्प करती हैं मुख्तलिफ बॉडी की मुख्तलिफ जो एक्सक्रीशन वाला मटेरियल है उसको फिल्टर करने में। सो जब वो सही तरह से काम नहीं करता तो उसका किडनी पे भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि पूरी बॉडी में काम पे इम्पैक्ट हो रहा होगा, तो फिर वहाँ ट्यूब्यूल्स के अंदर उसे कहते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, वहाँ पे एसिड जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है, इवन दो बाकी बॉडी में कम हो रहा है लेकिन रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से फिर फिल्ट्रेशन के मसले होते हैं और किडनी इंजरी हो जाती है, किडनी के मसले शुरू हो जाते हैं। ट्रीटमेंट इसमें क्या होती है, आपको अक्सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवानी पड़ती है, दैट इज द ट्रीटमेंट हियर। ठीक है, सो एक ही आपको दिखाया हुआ है कि क्या हो रहा है, बहुत सारे जेनेटिक वेरियंट्स होते हैं और यू नो ऑस्टियोक्लास्ट इवेंचुअली डैमेज हो रहा है, तो क्या उसे कहते हैं जो बोन के अंदर बोन मैरो ने जो सेल्स बनाने थे ब्लड सेल्स वो कम होना शुरू हो गए हैं, और बाकी सारी की सारी चीज़ें। ये रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का आपको एक छोटा सा स्नैपशॉट दिखाया हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर आपको वहाँ पर पता चलेगा इसका फार्माकोलॉजी के अंदर। बहरहाल सिर्फ ये याद रखिएगा कि इसकी वजह से, इस डेफिशिएंसी की वजह से रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस भी हो रहा है। सो दिस वॉज ऑस्टियोपेट्रोसिस। ठीक है, इससे अब आगे बोन मैस वाला जो डिजीज है जिसको हमने पढ़ना है, डिक्रीज बोन मैस वाला, वो ऑस्टियोपोरोसिस है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, बहुत कॉमन इलनेस है। इसके बारे में अगर आपको अच्छी तरह से नहीं पता हुआ तो आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वाले पार्ट में फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें बोन मैस कम हो रहा है,
पेट्रोसिस में इवेंचुअली बोन मास ज्यादा हो रहा होता है लेकिन पता नहीं चल रहा होता, मतलब काम का नहीं होता वो बोन मास। मार्बल बोन बन रही है, एबनॉर्मली थिक बन रही है, लेकिन जो कि सही तरीके से उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही, तो मतलब इस तरह से किसी काम का नहीं है वो। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में बोन मास कम हो जाता है। अर्ली एडल्टहुड में बोन मास जो है वो सबसे ज्यादा होता है, मतलब व्हेन यू आर अराउंड 20 ओल्ड और मे बी टिल 24-25, तब सबसे ज्यादा बोन मास होता है। फिर उसके बाद स्लोली स्लोली नॉर्मली कम होना शुरू हो जाता है और स्लो नॉर्मल डिक्लाइन हो शुरू जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है बेसिकली वो बोन लॉस का एक्सेलरेशन होती है, मतलब जितना नॉर्मली डिक्लाइन होना था स्लोली स्लोली वो उससे ज्यादा डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड बेटा, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। बच्चों स्क्रीन नज़र आ रही थी कि नहीं आ रही? हाँ ये सर। ओके तो अच्छा, सो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बता रहा था कि जो नॉर्मल डिक्लाइन होता है बोन का, बोन मास का आफ्टर सर्टन एज, वो जैसे हमने पढ़ा था अभी एजिंग के अंदर भी वो ज़रूरत से ज़्यादा होना शुरू होता है और तेज़ी से होना शुरू होता है। एक तो ऑब्वियसली एज की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से और एस्ट्रोजन कम होने की वजह से। खवातीन में जब मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिशन डेफिसिट्स की वजह से और जेनेटिक रीजंस की वजह से ये तेज़ हो जाता है। जितनी भी लैब्स होती हैं जो कि आपको बोन के बारे में बताती हैं, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट, पैराथायरॉइड हार्मोन, एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, वो सारे की सारी लैब्स में वो नॉर्मल होती हैं। ट्रीटमेंट इसकी बेसिकली डिपेंड करती है कि क्या कॉज है उसके ऊपर। तो अगर मिसाल के तौर पर एस्ट्रोजन है तो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो जाती है और इस तरह से थोड़ी कैल्शियम वगैरह ज़्यादा दी जाती है, इस तरह की इसकी ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, अब किस तरह की टाइप्स होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस की? एक प्राइमरी टाइप है ऑस्टियोपोरोसिस की और एक इडियोपैथिक है। प्राइमरी पोस्ट मेनोपॉजल या सीनाइल, यानी कि जैसे बताया था सीनाइल ओल्ड एज में, पोस्ट मेनोपॉजल मेनोपॉज के बाद, इडियोपैथिक बगैर किसी कॉज के। सेकेंडरी जो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, हाइपर थायरॉइडिज्म या हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपोगोनेडिज्म, पिट्यूटरी के ट्यूमर्स जो स्लोली स्लोली इवेंचुअली बोन के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, या जिनसे निकलने वाले हार्मोन्स जो है बोन को डैमेज कर सकते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1, एडिसन्स डिजीज, ट्यूमर हो गया, मल्टीपल माइलोमा हो गया, कार्सिनोमेटोसिस हो गया, GI causes, malnutrition, what is this? I have no idea. Hepatic insufficiency, vitamin C and D, malabsorption, ठीक है, malabsorption और rheumatologic diseases, मुख्तलिफ ड्रग्स आप जो लेते हैं एंटीकोगुलेंट्स उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो सेल्स को डैमेज करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंटी कन्वर्जेंट्स के, एंटी एपिलेप्टिक्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, अल्कोहल के साइड इफेक्ट, और फिर इवेंचुअली ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा वगैरह जैसे शुरू हो गया, कोलेजन डिजीज शुरू हो गया, इमोबिलाइज रही है बहुत देर बोन, पल्मोनरी डिजीज है या
सिस्टीन के डिजीजेज हैं, होमोसिस्टिनूरिया हो गया, एनीमिया हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें इवेंचुअली ऑस्टियोपोरोसिस भी कर सकती हैं, क्योंकि इनका लिंक बनता है बोन मास के साथ इवेंचुअली. सो बोन जो है, जो नॉर्मल बोन होती है जो कि डेंस होती है, वो इसके अंदर आप देख लो कि किस तरह से उसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है. रिस्क फैक्टर्स आपको अगर एक निमोनिक के थ्रू याद करा जाए तो वो वर्ड है एक्सेस, और एक्सेस से क्या बनता है, ए से अल्कोहल यूज, सी से कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज, सी से कैल्शियम लो, ई से एस्ट्रोजन लो, एस से स्मोकिंग और एस से सेडेंटरी लाइफस्टाइल. इसके अंदर होता क्या है, मेनोपॉज के बाद मिसाल के तौर पर एस्ट्रोजन कम हो गई तो काइफोसिस हो सकता है, सर्वाइकल लॉर्डोसिस हो सकता है, डॉर्सल काइफोसिस हो सकता है, और ज़्यादातर किसमें होता है स्लेंडर फीमेल कॉकेशियन एथनीसिटी अल्कोहल यूजर्स स्मोकर स्टीरॉयड यूजर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं. और बोन डेंसिटी जो है वो स्लोली स्लोली जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, और क्रश फ्रैक्चर्स हो सकते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे और उससे नीचे, क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी अपर बॉडी का बोझ पड़ा होता है, और फिर हिप के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, और कॉलिस फ्रैक्चर खास किस्म में फ्रैक्चर होते हैं जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, तो वो हो सकते हैं इसकी वजह से. अच्छा, इसके अलावा एक और डिजीज़ है जो ऑस्टियोक्लास डिसफंक्शन की वजह से होता है, उसे पेजेट डिजीज़ कहते हैं, ठीक है, या उसको ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट दोनों इम्बेलेंस हो गए हैं. पहले तो हमने सिर्फ ऑस्टियोक्लास्ट की बात की थी कि वो उसका डिफेक्ट हो रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज वगैरह की वजह से, अब दोनों पागल हो गए हैं, और दोनों की पागलपनी की वजह से जो बोन का हालत हो रही होती है उसे मैट्रिक्स मैडनेस कहते हैं, ठीक है. क्या फेज होते हैं, पहले ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्प्शन ज़्यादा होती है, फिर ऑस्टियोब्लास्ट उसको कम्पेंसेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बोन बनाते हैं, फिर उसके बाद बोन जो है वो उसका स्क्लेरोसिस शुरू हो जाता है, ठीक है. नाउ द वर्ड स्क्लेरोसिस, ये आपको बार 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 नज़र आएगा, और आपको पूछना चाहिए कि आखिर ये क्या चीज़ है. सो स्क्लेरोसिस का जो मतलब है, इट इज़ बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के अंदर आता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर भी आता है, और किसके अंदर आपने स्क्लेरोसिस पढ़ा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अलावा और कहाँ से स्क्लेरोसिस पढ़ा है, सॉरी ये सारी वाम. स्क्लेरोसिस का बेसिकली मतलब है किसी चीज़ का सख्त हो जाना यार, हार्ड हो जाना. ऑस्टियोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि बोन का हार्ड हो जाना. इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल भी हाई हुआ होता है, और यूरिन हाइड्रोक्सीप्रोलिन का जो कि शो करती है बोन की क्या उसे कहते हैं होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स इवेंचुअली, वो भी एलिवेट हुआ होता है. तो अगर आप इसमें देखो कुछ 85% जो पेजेस डिजीज है वो पूरी की पूरी बोन को कर रहा होता है इम्पैक्ट, 15% जो है वो सिर्फ स्कल और पेल्विस की बोन को इम्पैक्ट कर रहा होता है. तो पहला फेज ऑस्टियोलिटिक है, बोन रिजॉर्ब हो जा रही है फटाफट. दूसरा फेज ऑस्टियो ब्लास्टिक है, या आप उसे कह सकते हैं कि मिक्स्ड फेज है, क्योंकि उसके अंदर ऑस्टियो ब्लास्ट फिर फटाफट उधर बोन बनाना शुरू कर देते हैं, फिर वो अजीब व गरीब सी जो बोन बन जाती है कहीं से कम कहीं से ज़्यादा, वो ऑस्टियोस्क्लेरोटिक बोन होती है, ठीक है. और उसके अंदर पेन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जहाँ पर बोन नहीं बननी चाहिए वहाँ पर ज़्यादा बन गई है, जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर नहीं है, ठीक है. तो इस तरह से हो रहा होता है. तो इसके अंदर पेजेस डिजीज़ के अंदर एक तो आपका माथा मिसाल के तौर पे थोड़ा आगे को निकल सकता है, उसे फ्रंटल बॉसिंग कहते हैं, और फिर अगर आपकी बोन्स एयर की इंपैक्ट हो जाएंगी, डेफनेस होगी, काइफोसिस होगा बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, एंड बो लेग आपकी लेग्स होंगी, और बोन पेन और एलिवेटेड एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम्स हैं पेजेस डिजीज के. अब इससे मिलता जुलता डिजीज था ये वाला जो कि ऑस्टियोपेट्रोसिस था. ऑस्टियोपेट्रोसिस में याद रखना ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्व नहीं कर पाता बोन को, इसमें याद रखना और पेजेस डिजीज में ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्व कर रहा होता है, ज़्यादा कर रहा होता है, ठीक है. और इसके बाद फिर ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करता है, और फिर पेन और अल्कलाइन फॉस्फेटेज हाई हो अगर आपको नज़र आए इस किसी की लैब रिपोर्ट्स में, तो उसका मतलब है कि उसे पेजेस डिजीज के चांसेस हैं. ओके, साइन एंड सिम्टम्स याद करने का एक निमोनिक है, पैनिक्स कह सकते हैं, उसके अंदर पेन होती है, आर्थरल्जिया यानी कि जॉइंट पेन, नर्व कंप्रेशन, न्यूरल डेफनेस हो सकती है क्योंकि बोन बड़ी होती जा रही है, नर्व को कंप्रेस करेगी तो फिर डेफनेस वगैरह उसकी वजह से भी हो सकती है अगर एट्थ क्रैनियल नर्व कंप्रेस हो रही है, और बोन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, और इवेंचुअली कार्डियक फेलियर वगैरह भी हो सकता है, और वर्टिब्रा और स्कल जो है वो ज़्यादा हार्डन हो जाते हैं, और फिर इवेंचुअली आपकी
जो स्पाइन है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक और टाइप्स ऑफ डिजीज है जो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक मैंने आपको ऑस्टियोपोरोसिस का कहा था, अब आगे ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स वाली बातें आ गई हैं। एबनॉर्मल मिनरलाइजेशन, मिनरल्स के अंदर मसले हों, मिनरल होमियोस्टेसिस के मसले हों, तो उसकी जो बीमारियां हैं उसमें एक रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया आ जाता है जिसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है या उसका डिसफंक्शन होता है। एक हाइपरपैराथायरॉइडिज्म आ जाता है और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी आ जाती है। हाइपरपैराथायरॉइडिज्म के अंदर प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म हो सकता है, उसके अंदर पैराथायराइड का ट्यूमर हो सकता है, एडिनोमा, इसके अंदर पूरा स्केल्टन वॉल होगा और इसके अंदर एक स्पेशल इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बोन्स के ऊपर, उसे ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसिस सिस्टिका कहते हैं या ब्राउन ट्यूमर कहते हैं, उसके बारे में बात करता हूँ आगे। और एक और चीज़ हो सकती है सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म जो रीनल डिसऑर्डर की वजह से होता है, ठीक है, अगर आपकी किडनी इम्पैक्ट हो रही है तो उसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म हो सकता है जिसकी वजह से इवेंचुअली मिनरल्स जो हैं वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, एबनॉर्मल मिनरल होम्योस्टेसिस होता है। सो रिकेट्स और ऑस्टियोप्लेशिया में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में होता है कि जो ऑस्टियॉइड है उसकी मिनरलाइजेशन जो ऑस्टियॉइड है उसकी मिनरलाइजेशन है ऑस्टियॉइड किसे कहते हैं, जो बोन के इर्द गिर्द जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी जो मिनरलाइजेशन है वो डिफेक्टिव हो जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट ने इवेंचुअली जो मिनरल्स बोन के अंदर लाने थे वो मिनरलाइजेशन प्रोसेस जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है, और ये मिनरलाइजेशन प्रोसेस डिफेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि विटामिन डी लेवल कम होता है, क्योंकि प्राइमरी रोल विटामिन डी का ये होता है कि कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल्स को ब्लड में मेंटेन करवाए, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी कम सन एक्सपोजर की वजह से, कम डाइट की वजह से या पुअर डाइट की वजह से, पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से और लिवर या रीनल फेलियर की वजह से भी हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से वीक बोन होती है, उसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो लैब में आपको, लैब फाइंडिंग में आपको क्या मिलेगा, सीरम कैल्शियम कम होगा, फॉस्फेट कम होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन ज़्यादा होगा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा होगा। एल्कलाइन जो फॉस्फेटेज है वो बेसिकली एल्कलाइन एनवायरनमेंट बनाता है, और एल्कलाइन एनवायरनमेंट में कैल्शियम जो है वो आसानी से ऑस्टियॉइड के अंदर उस बोनी मटेरियल के अंदर डाली जा सकती है जो पूरी बोन बनाती है। सो बोनी मटेरियल मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, ऑस्टियॉइड यूज़ कर रहा हूँ, आपने लास्ट लेक्चर में अभी जो मैंने तुम्हें स्लाइड्स दिखाई थी उसमें जो ऑस्टियोसाइट्स बन रहे थे और उसके इर्द गिर्द का जो कनेक्टिव टिश्यू मटीरियल था दैट इज नोन एज ऑस्टियॉइड, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं या उसके अंदर ये सारा कुछ होता है। सो विटामिन डी जब बच्चों में कम होता है तो अगेन इनकी पिजन ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी होती है, अगर आपने पिजन का सर से नीचे की जो ब्रेस्ट देखी होगी वो थोड़ी सी आगे को निकली होती है, तो यहाँ पे इनकी चेस्ट पे हल्का सा आगे को पिजन की तरह की थोड़ी सी ब्रेस्ट आगे को निकली हुई होगी इन द किड्स। फ्रंटल बॉसिंग अगेन जो उनका माथा होता है वहाँ पे प्रोट्यूबरेंस हो जाती है, बाहर को आगे को निकला होता है। रैशियटिक रोजरी ये होता है जब आपकी जो एंड्स हैं रिब के वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाए, तो वो रिब के जो एंड्स एक्सपैंड हुए होते हैं वो गोल गोल आपको नजर आ रहे होते हैं रिब्स के एंड पे, फिर लेग्स जो हैं वो बो कर जाती हैं, ठीक है, और फिर ऑस्टियॉइड मुख्तलिफ जगह पे डिपॉजिट हो रहा होता है, जहाँ पे डिपॉजिट होना होता है वहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो रहा होता। अगेन फॉन्टेनेला जो होते हैं जो बच्चों के सूचर्स होते हैं स्कल के वो डिले हो जाते हैं, बंद नहीं होते, फ्रंटल बॉसिंग हो जाती है, डेंटल हाइपोप्लेजिया हो जाता है, पेक्टस कैरिनेटम अगेन पिजन ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी, क्रेनियोटेबीज क्रेनियल डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, सूचर वाइड रह जाते हैं, रैशियटिक रोजरी ये जो आपको स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ दोज क्या उसे कहते हैं एंड्स ऑफ रिब्स, हैरिसन सल्कस जब यहाँ पे ये एक आगे को पिजन की तरह की ब्रेस्ट हुई हुई है तो उसके नीचे एक ग्रूव बन जाता है विच इज नोन एज हैरिसन सल्कस, फिर लेग्स बोर्ड होती हैं और जॉइंट्स में स्वेलिंग हुई होती है एंकल जॉइंट्स में, रिस्ट जॉइंट्स में। तो ये आपको एक क्रिकेट्स में बच्चों को अंदर ये आपको होता नजर आएगा। अच्छा, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म में क्या होता है, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म में जब पैराथायरॉइड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और पैराथायरॉइड बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है तो वो फिर कैल्शियम बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डालना शुरू कर देता है। उस सारे प्रोसेस को जो उसका जो बोन पे इम्पैक्ट होता है वो फाइब्रस या सिस्टिक स्पेसिस वाली बोन बन जाती है, उसे ब्राउन ट्यूमर भी कहते हैं, ऑस्टियाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका भी कहते हैं। दिस इज अ फीचर ऑफ प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म। सो उसके अंदर इवेंचुअली फिर मिनरल की अगेन प्रॉब्लम है, मिनरल्स कैसे डैमेज होना शुरू हो रहे हैं प्राइमरी पैराथायरॉइडिज्म में, प्राइमरी पैराथायरॉइडिज्म जाके बोन्स पे जब पैराथायरॉइड हार्मोन इम्पैक्ट कर रहा है तो वो बोन से कैल्शियम निकाल ही जा रहा है। सो दैट इज हाउ
दिस इज अ डिस्टर्बेंस इन मिनरल होमियोस्टेसिस. फिर रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी क्या होती है? रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी तब होती है जब आपका किडनी जो है वो बहुत देर के लिए डैमेज हो जाए, यानी कि क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाए. उसके अंदर फिर फॉस्फेट रिटेंशन होना शुरू हो जाती है और ब्लड में फॉस्फेट कम होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम ब्लड में कम होना शुरू हो जाती है, पैराथायरॉइड हार्मोन फिर इवेंचुअली ज़्यादा होता है, ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाता है क्योंकि हाइड्रोक्सीएपेटाइट्स मैट्रिक्स से निकल रहे होते हैं ताकि बॉडी की मिनरल नीड्स को पूरी करें. लेकिन मसला असल में किडनी का होता है. किडनी जब अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही होती और उसकी वजह से अब किडनी का बहुत बड़ा रोल है फॉस्फेट और कैल्शियम को निकालने में बॉडी से या उसको रिजॉल्व करने में, जब वो रोल उसका ख़राब होना शुरू हो जाता है तो पीछे जितना भी उन केमिकल्स का उन मिनरल्स का जो बैलेंस था वो सारे का सारा ख़राब होना शुरू हो जाता है. और फिर उस बैलेंस को ठीक करने के लिए पैराथायरॉइड हार्मोन आके कोशिश करता है कि मैं सही करूँ, तो वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और ऑस्टियोक्लास्ट भी इंक्रीज़ हो जाते हैं कि हम किसी तरीके से कोशिश करें कि ये ठीक हो, लेकिन वो मसला बेसिकली किडनी के अंदर हो रहा होता है. तो इसकी वजह से भी फिर मिनरल्स के अंदर, बोन मिनरलाइजेशन के अंदर और मिनरल होमियोस्टेसिस के अंदर डिफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं. इसके अलावा एक और चीज़ होती है विच इज़ नोन एज ऑस्टियोनेक्रोसिस. ऑस्टियोनेक्रोसिस एवेस्कुलर या एसेप्टिक नेक्रोसिस भी उसे कहा जा सकता है. उसका कॉज जो इस्कीमिया, यानी कि ब्लड नहीं पहुँच रहा, इंट्राऑस्टियस प्रेशर ज़्यादा होगा किसी वजह से, बोन का प्रेशर, बोन बड़ी हो गई तो जो वेसल्स उसके अंदर आनी थी वो दबना शुरू हो गई, तो जब वो वेसल्स दबना शुरू हो गई तो ब्लड नहीं पहुँच रहा, ब्लड नहीं पहुँच रहा तो फिर इवेंचुअली ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है. ठीक है, ट्रामा की वजह से हो सकता है, स्टीरॉयड्स कुछ इस तरह कॉज करते हैं, थ्रॉम्बस या एम्बोलिज्म की वजह से, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है, रेडिएशन इंजरी हो रही है उसकी वजह से हो सकता है, और उसके अलावा हाइपरटेंशन है, वीनस हाइपरटेंशन उसकी वजह से भी हो सकता है. बेटा स्लाइड्स शो हो रही हैं? बेटा कैन यू सी द स्लाइड्स? यस सर. लोग कह रहे थे नहीं शो हो रही. अच्छा, ऑस्टियोनेक्रोसिस के साथ और कौन कौन सी बीमारियां एसोसिएटेड है? वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्लिनिकल सिनेरियोस के लिए एसोसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. तो ट्रॉमा की वजह से ऑस्टियोनेक्रोसिस, ऑब्वियसली ट्रॉमा से ब्लड वेसल डैमेज हुई तो ऑस्टियोनेक्रोसिस हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन, अल्कोहल अब्यूज, ये बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी चीज़ें. फिर इन्फेक्शन की वजह से डिसबारिज्म होता है जब कंप्रेशन सिकनेस हो रही हो, ठीक है, किसी वजह से बेरो ट्रॉमा या प्रेशर की वजह से ट्रॉमा हो रहा हो, मिसाल के तौर पे जब बाहर आपके करीब कहीं बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो या बम फटे, तो उसकी वजह से एक्सप्लोजन, ये ज़रूरी नहीं होता कि उसकी आग की वजह से डैमेज हो, उसकी वजह से जो प्रेशर वेव्स निकलती हैं उसकी वजह से भी डैमेज होता है, उसे डिसबारिज्म कहते हैं. वो प्रेशर वेव हो सकती हैं और भी प्रेशर वेव्स हो सकती हैं. रेडिएशन थेरेपी वो डिसबारिज्म की एक एग्जाम्पल है. रेडिएशन थेरेपी की वजह से वेसल्स डैमेज होकर ऑस्टियोनेक्रोसिस करवा सकती हैं. कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी में होता है. एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसे गॉशर डिजीज कहते हैं, उसके अंदर हो सकता है. सिकल सेल और बाकी एनीमियाज के अंदर होता है जब इवेंचुअली ब्लड सही तरह से पहुँच नहीं रहा हो. फिर क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस हो उसके अंदर हो सकता है, ट्यूमर्स मुख्तलिफ हो जाए उसके अंदर हो सकता है, एपिफिजियल कुछ डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर हो सकता है ऑस्टियोनेक्रोसिस. ठीक है, सो ऑस्टियोनेक्रोसिस के अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑस्टियोमेलाइटिस. ऑस्टियोनेक्रोसिस का समझ आ गया, इस्कीमिया की वजह से हो रहा है, ब्लड नहीं पहुंच रहा सही तरह से तो बोन की डेथ हो रही है. वो किस किस वजह से नहीं पहुंच रहा वो आपको बता दिया. फिर ऑस्टियोमेलाइटिस एक बीमारी है. ऑस्टियोमेलाइटिस में क्या होता है? ऑस्टियोमेलाइटिस इज इन्फेक्शन ऑफ द बोन. ठीक है, पायोजेनिक जो बैक्टीरिया की वजह से होता है वो स्टेफलोकॉकस बैक्टीरिया, ई कोलाई की वजह से, सुडोमोनास की वजह से, क्लेब्सियला की वजह से, सैल्मोनेला की वजह से, ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया के नाम है जिनकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है बोन का. और ये फिर स्प्रेड कैसे करता है? ब्लड के थ्रू, या साथ वाली जो बोन है या अगला जो जॉइंट के साथ जो लगी दूसरी बोन है उस तक स्प्रेड कर जाएगा, या डायरेक्टली ये जो हैं बैक्टीरिया काम कहीं पे जाके बोन के ऊपर लग जाएंगे. इसके अलावा ऑस्टियोमेलाइटिस टीबी की वजह से भी हो सकता है, कई दफ़ा टीबी भी बोन में हो जाती है तो उसकी वजह से भी बोन का इन्फेक्शन होता है. फिर एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है सिफिलिस, वो भी जाके बोन्स को इम्पेक्ट कर सकता है. तो ऑस्टियोमेलाइटिस कैसे होता है? एक साइड पर इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई ब्लॉक हुई जिसकी वजह से ऑस्टियोनेक्रोसिस भी हो जाता है, जो कि साथ होता है कई दफ़ा ऑस्टियोमेलाइटिस के. अभी हमने ऑस्टियोनेक्रोसिस के कॉजेज में इन्फेक्शन भी पढ़ा था. तो अगर इन्फेक्शन हुआ एक साइड पे, ब्लड सप्लाई ब्लॉक हुई और वहाँ पे एब्सेस बनना शुरू हुई, और फिर वो एब्सेस जो है इवेंचुअली वहाँ से ड्रेन होना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ से जो बोन डेड हो जाएगी दैट इज़ नोन एज सिक्वेस्ट्रम, और जो नई बोन उसकी जगह बनना शुरू होगी, ऑस्टियोब्लास्ट कहेगा अच्छा मुझे बोन बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे, तो वहाँ पे तो बना नहीं पा रहा होगा क्योंकि एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है, तो वो जहाँ पे नई बोन बनाएगा उसको इन्वोलोक्रम कहेंगे, वो उससे थोड़ा सा साइड पर करके होगी. तो इस तरह से ऑस्टियोमेलाइटिस होता है. ठीक है, यह आपको बीच में
अगर आप इसको हिस्टोलॉजिकली देखें तो आपको बीच में पस की एक्यूमुलेशन नजर आएगी. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, सब पेरिओस्टियल एब्सेस बन सकती है, यानी कि जो पेरिओस्टियम जो कवरिंग होती है बोन की उसके बिल्कुल नीचे एक एक्यूमुलेशन ऑफ पस हो जाए, ठीक है, जो कि और पेन करेगी. साइनस ड्रेन करता रहे, मतलब वहाँ से बार बार पस ड्रेन होती रहे, ठीक है. और जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, मतलब साथ वाला जॉइंट इन्वॉल्व हो जाए और फिर आगे फैल जाए ऑस्टियोमेलाइटिस, तो वो एक कॉम्प्लिकेशन है. स्क्वेस्ट्रम जो है वो डेड बोन है और इन्वोलक्रम जो है वो न्यू बोन है. अगर आप इसको देखो एक्सरे करके तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से बोन खाई गई है और इन्फेक्शन की वजह से, और उसके साथ यहाँ पे थोड़ी बोन ज़्यादा हुई हुई है. तो दिस इज द स्क्वेस्ट्रम एंड दिस इज द इन्वोलक्रम, ठीक है. ऑस्टियोमेलाइटिस एक तो और कौन कौन सी कॉज की वजह से, टीबी की वजह से होता है. अगर टीबी हो जाए और टीबी जो है वो ब्लड के अंदर फैलता है, तो जो टीबी हो जाए और ब्लड के थ्रू फैलता है वह बोन्स पे पहुंच जाए तो वो भी ऑस्टियोमेलाइटिस कर सकता है. और अगर स्पाइन का टीबी हो तो उसे पॉट्स डिजीज कहते हैं, ठीक है. इवेंचुअली वो स्पाइन को इतना इम्पैक्ट करना शुरू होता है, कई दफ़ा बेंड होना शुरू हो जाती है. सो अगर टीबी हो स्पाइन का, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑस्टियोमेलाइटिस, क्योंकि इन्फेक्शन है वो और इन्फ्लेमेशन है, उसको पॉट्स डिजीज कहते हैं. और सिफिलिस जो है वो कंजेनिटली, मतलब एक मदर को सिफिलिस थी, फिर जो उसका बेबी होगा उसको भी ट्रांसमिट हो जाएगी. और टर्शरी जो है, सिफिलिस की तीन स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. जब पूरा फैल जाता है सिफिलिस टर्शरी स्टेज में, लास्ट स्टेज में, वो ज़्यादातर जो टीबिया होती है, आपकी जो लेग्स की बोन्स होती हैं उन पे जाके फैलता है, उसको सेबरेशंस कहते हैं. क्योंकि लेग बोन्स या टीबिया बोन्स जो हैं वो टीबिया जो उसको शिन भी कहते हैं, तो उसके अंदर जो है ये इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है. एंड दैट इज़ मोस्टली ऑफ ड्यू टू सिफिलिस, ठीक है. सो ये आपको बताया हुआ है कि टीबी की वजह से ज़्यादातर स्पाइन में इम्पैक्ट होगा और सिफिलिस की वजह से ज़्यादातर टीबिया बोन में या शिन में इम्पैक्ट होगा, ठीक है. सो दैट इज़ इट.